हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित कक्षा 9 मनोहर है जिसमें अध्याय 1 है, ए का एफ है, तो संख्या पद्धति अध्याय का नाम है, प्रश्नावली हमारा ए का एफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक पीछे की वीडियो में हमने देखा, प्रश्न संख्या 6 से अब यहाँ पर हम देखते हैं। दिया है समरूप पदों को जोड़ते हुए अथवा घटाते हुए हमें सरल करना है, तो प्लस दिया है तो जोड़ना है। जोड़ते समय आपको केवल यही ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पद दिए गए हों, जैसे ये कर्णी है और कर्णी की घात, इसमें भी कर्णी और कर्णी की घात, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तब तो जुड़ जाएगा, घट जाएगा, और यदि कर्णी या कर्णी की घात में से कोई भी असमान है तो उसको हम न जोड़ सकते हैं न घटा सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें 5 कर्णी में 5 कर्णी घात 3, इसमें भी कर्णी 5 कर्णी घात 3 है, दोनों कॉमन ले लेंगे, तो 5 कामन होगा, इसकी घात 5 है, इसको भी कामन ले लेंगे। क्या बच जाएगा? यहाँ 6 बचेगा क्योंकि ये क्वेश्चन है, और आगे हमारा प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 6 प्लस 2 8 बन जाएगा, बाकी कर्णी में 5 कर्णी की घात 5, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 7 को लेते हैं। तो प्रश्न संख्या हमारा 7 क्या है? समरूप पदों को इसमें भी जोड़ना या घटाते हुए सरल करना है, तो यहाँ भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 16 है, दोनों कर्णी बराबर नहीं है, तो पहले हम कर्णी बराबर करने के लिए इसको खंड में करेंगे, और यहाँ कर्णी में की घात 3 है तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 16 का अगर हम खंड करते हैं तो पहले पहला लिख लेंगे 5, कर्णी में 2 है और कर्णी घात 3 है, फिर माइनस लिखेंगे, कर्णी की घात हम 3 लिख देंगे, 16 का खंड करेंगे, 2 × 4 × 8 × 16 बन जाएगा। अब यहाँ कर्णी घात 3 है तो 3-3 का हम जोड़ा बनाएंगे, तो एक जोड़ा बनेगा, 1-2 बच जाएगा, तो यहाँ मिला 5, कर्णी में 2, कर्णी घात 3, इस जोड़े में से 1-2 बाहर निकलेगा, यहाँ जितनी घात रहेगी उतने का जोड़ा बनेगा, 3 है इसलिए हमने 3-3 का जोड़ा बनाया, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 2-2 का जोड़ा बनता, और हर जोड़े में से एक बाहर निकलेगा तो 1-2 बाहर हो जाएगा, ये जो बचा हुआ है इसके अंदर लिखेंगे, कर्णी घात 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब 2 कर्णी घात 3 दोनों में है तो 2 कर्णी घात 3 कामन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? 5 बचेगा और यहाँ -2 बच जाएगा, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारा मिलेगा क्या? 3, तो 3 बना, कर्णी में 2 मिला, कर्णी घात 3 मिला, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 7। तो 8 में दिया कर्णी में 50 प्लस कर्णी में 72 दे दिया है, अब दोनों का खंड करके हम बाहर निकालेंगे तो 50 का बन जाएगा कर्णी में, बड़ी संख्या हो तो आप अलग से खंड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5×5=25, फिर 5 से काटेंगे 5×5 हो जाएगा, तो यहाँ 50 का बन गया क्या? 2×5×5, फिर मिला 72, तो कर्णी के अंदर 72 का हम खंड कर देंगे, तो 2 से काटेंगे 2×3 = 12, फिर 2 से काटेंगे तो 18×2=36, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, 2×9=18, फिर 3 से काटेंगे 3×3=9, फिर 3 से काटेंगे 3×1=3, तो 2×2=2 तीन बार मिला, 2×2×2 मिला, और 3×3 मिल गया, तो 3×3 मिला, बाकी ये हमारा रफ था, इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 है तो 2-2 जो होंगे उसका जोड़ा बन जाएगा, 1-2 का जोड़ा बन जाएगा, 1-3 का जोड़ा बन जाएगा, इस जोड़े में से 1-5 बाहर निकलेगा, 2 बच गया, अगला इस जोड़े में से 1-2 बाहर निकलेगा, इस जोड़े में से 1-3 बाहर निकलेगा, बाकी 2 बच गया, तो हमें क्या मिला? 5 कर्णी में 2 मिला, 2×3=6 हो गया, कर्णी में 2 मिला, दोनों में कर्णी में 2 कामन है, या डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 6×5=11 आएगा, तो कर्णी में 2 हमने कामन ले लिया, तो 5+6 बचा क्योंकि दोनों की कर्णी हमने कामन ले लिया, जोड़ देंगे तो 11 कर्णी में 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आते हैं अब हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट अगला ले लेते हैं 9। तो 9 में क्या दिया है? कर्णी में 2 कर्णी की घात 3, 16 कर्णी की घात 3,
54 कर्णी की घात 3। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पहले का खंड नहीं होगा तो इसको हम पहले को ऐसे लिख देंगे 2 कर्णी की घात 3। 16 का खंड करेंगे तो कर्णी घात 3 रहेगी, यहाँ मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बन जाएगा। अगला जाएंगे 27, दूनी 54 होता है तो यहाँ कर्णी घात 3 लिखेंगे तो 2 गुड़े 27 हो जाएगा। 27 माने 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, तो 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 दूना 54, 54 के स्थान पर ये हमारा खंड बना। अब ये तो ऐसे रहेगा, यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 3 है तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। अब यहाँ क्या मिलेगा, कर्णी में 2 कर्णी घात 3 प्लस एक जोड़े में से एक बाहर निकलेगा तो 2 बाहर हो जाएगा, कर्णी में 2 बच जाएगा, कर्णी घात 3 रहेगी। इसमें से 3 बाहर हो जाएगा और एक 2 बचा हुआ है और कर्णी की घात 3 है तो ये बच जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, कर्णी में 2 कर्णी घात 3 कामन ले लेंगे तो पूरा कामन जहाँ ले लेंगे वहाँ 1 बचेगा, ये पूरा ले लिए है तो प्लस 2 बचा और माइनस 3 हो गया, तो 2 एक 3 में से 3 घटेगा 0 आएगा, तो 0 गुड़े कर्णी में 2 कर्णी घात 3 और 0 का गुड़ा कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे ले लेते हैं अब हम प्रश्न संख्या 10 को। तो 10 में क्या है, ये भी समरूप पदों को जोड़ते या घटाते हुए सरल करना है। 27, तो हम 27 का क्या करेंगे, खंड करेंगे जैसे पीछे हमने किया, तो ये बन जाएगा हमारा 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27 हो गया। अगला हमें मिल जाएगा माइनस, यहाँ हम काम कर सकते हैं, कर्णी में 3 नीचे है तो कर्णी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, हर का परिमेयकरण जो आगे आप पाएंगे। तो यहाँ कर्णी में 3 है तो हम क्या करेंगे, कर्णी में 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। फिर अगले में आ जाएंगे तो माइनस, यहाँ 4 है और ये बना देंगे हमारा 1/9 है तो ये कर्णी की घात 4 थी इसलिए कर्णी की घात हम लिखेंगे, कर्णी की घात 4 हो गई और 1/9 है तो 1/3 गुणे 3 बन जाएगा। अगला है कर्णी की घात 27 है सॉरी 6 है और 1/3 त्रिक्का 9 और 9 त्रिक 27 बन जाएगा। अब इसमें से तो 1/3 बाहर निकलेगा, एक कर्णी में 3 बच जाएगा और यहाँ क्या बन गया, माइनस 9 कर्णी में 3 गुड़े कर्णी में 3 बराबर 3 होता है और एक कर्णी में 3 ये बचा रहेगा ऊपर वाला। यहाँ आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ 1/3 घाते 2 लिख देंगे क्योंकि 2 बार आया है और यहाँ 4 है। फिर अगला इसी तरह से यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 1/3 की घात हम 3 लिख देंगे। अब अगला काम है 3 कर्णी में 3 माइनस 3 से काटेंगे तो 3 कर्णी में 3 बच जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो माइनस होगा क्योंकि 3 त्रिक्का 9 एक 3 बचाओ कर्णी में 3 बच गया। यहाँ आ जाएंगे इससे ये कटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी मिल जाएगा ऊपर 2 लिखा नहीं जाएगा कर्णी घात तो 1/3 बच गया। फिर आगे आएंगे इसी तरह से इसको काटेंगे 3 दूनी 6 बन जाएगा, यहाँ भी 2 आ गया इसलिए लिखा नहीं जाएगा तो प्लस बन जाएगा क्या, 1/3 बनेगा, बाकी 2 और 2 यहाँ लिखा नहीं जाएगा। अगर हम बात करें तो ये जितना माइनस है उतना ही ये प्लस है इसलिए ये इससे कट के 0 हो गया, ये भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है इसलिए ये इससे कैंसिल होकर के 0 आ गया, तो हमारा आंसर क्या मिला, 0, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये था प्रश्न संख्या 10 तक। अब हम इसके नीचे के प्रश्नों को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।